बुधवार का दिन है और आज फिर से हम एक नए वृक्ष के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो है बिल्व पत्र का वृक्ष, यानी बेल पत्र का पेड़। तो आज बेल पत्र की बात हम अपने कार्यक्रम में करने वाले हैं। बिल्व बेल या बेल पत्र भारत में होने वाला एक फल का पेड़ है। इसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल को बिल्व कहा गया है। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे शांडिल्यू यानी पीड़ा निवारक, श्रीफल, सदाफल। इसका गूदा या मज्जा बल्व करकटी कहलाता है और सूखा गूदा बेलगिरी। बेल के वृक्ष सारे भारत में, विशेषतः हिमालय की तराई में, सूखी पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 फीट की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मध्य व दक्षिण भारत में बेल जंगल के रूप में फैला पाया जाता है। इसके पेड़ प्राकृतिक रूप से भारत के अलावा दक्षिणी नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड में उगते हैं। इसके अलावा इसकी खेती पूरे भारत के साथ श्रीलंका, उत्तरी मलय, प्रायद्वीप, जावा एवं फिलीपींस तथा फिजी द्वीप समूह में की जाती है। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे मंदिरों के पास लगाया जाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का रूप ही माना जाता है। वह मान्यता है कि इसके मूल यानी जड़ में महादेव का वास है और इसके तीन पत्तों को जो एक साथ होते हैं उन्हें त्रिदेव का स्वरूप मानते हैं, लेकिन पांच पत्तों के समूह वाले को और अधिक शुभ माना जाता है और पूज्य होता है। धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस पौधे को घर में लगाने से भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अगर आपके पास अपना अहाता नहीं है तो आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। अधिक बड़ा होने पर आप इसे किसी मंदिर में दान कर दें या दूसरा पौधा लगा सकते हैं। बेल पत्र का वृक्ष यदि आपने घर में लगाया हुआ है तो शिव पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस भी स्थान पर या घर में ये पौधा या वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल है। ऐसी जगह या घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त होते हैं। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि घर के उत्तर दक्षिण दिशा में लगा हुआ बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता देता है। हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि अथवा सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल के पत्तों या कहें कि बेल पत्रों को शिव पूजन में आप एक से अधिक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चढ़ाए हुए बेल पत्र को आप धोकर दोबारा इस्तेमाल करें। बस ध्यान इस बात का रखना है कि बिल्व पत्र गले हुए ना हो, कटे फटे ना हो। बेल के फल के 100 ग्राम गूदे का रासायनिक विश्लेषण इस प्रकार है। इसमें नमी 61.5%, वसा 3%, प्रोटीन 1.8%, फाइबर 2.9%, कार्बोहाइड्रेट 31.8%, कैल्शियम 85 मिलीग्राम, फास्फोरस 50 मिलीग्राम, आयरन 2.6 मिलीग्राम, विटामिन सी 2 मिलीग्राम। बेल में 137 कैलोरी ऊर्जा और कुछ मात्रा में विटामिन बी भी पाया जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बेल पत्र के वृक्ष में होती है। बेल पत्र के वृक्ष के आयुर्वेदिक रूप से भी कई फायदे हैं। मधुमेह में भी अत्यंत लाभकारी है। 15 पत्ते बेल पत्र के और 5 काली मिर्च पीसकर चटनी बनाकर 1 कप पानी में घोलकर पीने से मधुमेह में आराम होता है। नित्य प्रातः बेल पत्र का रस 30 ग्राम पीने से भी लाभ होता है। पके बेल के गूदे को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1 चम्मच मात्रा सुबह शाम लेने से अतिसार ठीक हो जाता है और ये प्रयोग 5 से 7 दिन आपको करना है। जल जाने पर भी बिल्व पत्र का चूर्ण बहुत लाभकारी होता है। गरम किए हुए तेल को ठंडा करके पेस्ट बना लें। जले अंग पर लेप करने से फौरन आराम आएगा। चूर्ण ना होने पर बेल का पक्का गूदा जो होता है उसे भी साफ करके लेप उसका किया जा सकता है। पेट दर्द हो तो उसमें भी बेल पत्र लाभकारी है। बिल्व के
पत्ते 10 ग्राम काली मिर्च 10 लेकर पीस लें। इस मिश्रण को गिलास में डालकर स्वाद अनुसार मिश्री मिलाएं। ये शरबत तैयार हो जाएगा और इस शरबत को आप दिन में 3 बार पियेंगे तो पेट दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा दमा, पीलिया, फोड़े फुंसी, बवासीर, दस्त, इन सभी रोगों में भी बेल पत्र काफी लाभकारी है।